जो अंत और प्रारंभ है, हर युग का वो आरंभ है, ब्रह्मा जिसने है रचा, संसार जिसने है बसा, ये कथा देव के नंद की। प्रिया कांत झुकी आरती उतारो हे अली, प्रिया कांत झुकी आरती उतारो हे अली, सोहे नंद झुको लाल कीर्ति भान की लली, सोहे नंद झुको लाल कीर्ति भान की लली, प्रिया कांत झुकी आरती उतारो हे छवि राज कोटि मनोज कटि और सजीत पट का सुहावे मुका ही रख मिली, पट का सुहावे मुका ही रख मिली, पिया कांत झुकी आरती उतारो हे अरे, पिया कांत झुकी आरती उतारो सुखी दीति दिव्य मान दांत भव्य सूरज मुखी मोहन महमाल नाम खोले भाग की गली, मोहन महमाल नाम खोले भाग की गली, प्रिया कांत झुकी आरती उतारो हे अली, प्रिया कांत झुकी आरती उतारो और को मुकुट कृष्ण राधिका खिली मोहे भव सिंधु हेत सुख गायक बली, मोहे भव सिंधु हेत सुख गायक बली, प्रिया कांत झुकी आरती उतारो हे अरे, प्रिया कांत झुकी आरती उतारो हे अरे, प्रिया झुकी आरती उतारो हे अरे। हरारत किम समर व्यामी जलिन शीतलीकरण मारो क्यार थे, जलम सफेद ओम देव हो शांति शांति पृथ्वी शांति राप शांति रोखदय शांति वनस्पतय शांति विश्व देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांति रेव शांति साम शांति रेधि। अथ मंत्र पुष्पांजलि हरि ओम जगनेन जगनमय संत देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेहनाकं महिमानः सचन्त जत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरिः ओम् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। श्रेवन्तिकावकुलचं पगपाटलब्जै पुन्नाकजातिकरवीर रसालपुष्पै बिल्वप्रवाल तुलसी दलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वर। एतन्मंत्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि भगवते पुराण पुरुषोत्तमाय नमः ग्रंथोत्तमाय नमः। बोलिए भागवत महापुराण की जय। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला हरि नाम
सिद्ध के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है शांति अथ मंत्र पुष्पांजलि। हरि ओम। जगनेन जगनमय संत देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नः देहनाकं महिमानः सचन्त तत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरिः ओम्। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। हरिः ओम्। नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। श्रीवन्तिकापकुलचम्पकपाटलब्जै पुन्नागजातिकरवीररसालपुष्पै विल्वप्रपालतुलसीतलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वर। एतन्मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि भगवते पुराणपुरुषोत्तमाय नमः। बोलिए भागवत महापुराण की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। व्यास जी महाराज की जय। परम पूज्य ठाकुर जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे। श्री युगल चरण कमल भ्यो नमः। श्री गुरुदेवाय नमः। श्रीमते निम्बार्काचार्य नमो नमः। श्रीमते सर्वविद्यानां प्रभुवाय स्वब्रह्मणे आचार्याय मुनीन्द्राय निम्बार्काय नमो नमः। जन्मादिशयतोऽन्वयादितरतश्चार्थैः सुविज्ञसुराट् तेने ब्रह्म हृदयादि कवये मुह्यन्ति यत्सूरय तेजो वारिमृदं यदा विनमयो यत्रत्र सर्वो मृष धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरयेत्। नमस्ते भगवते कृष्णाया कुण्ठमेदसे राधाधर सुधा सिन्धो नमो नित्यविहारिणे राधां कृष्णस्वरूपां वै कृष्णं राधास्वरूपिणम्
कलात्मानं निकुञ्जस्तं गुरुरूपं सदा भजे। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णौ वंदे जगद्गुरुं। ध्यानमूलं गुरुमूर्तिपूजामूलं गुरुं पदं मंत्रमूलं गुरुं वाक्यं मोक्षमूलं गुरुं कृपा। राधा साध्यं साधनं यस्य राधा मंत्रो राधा मंत्रदात्री च राधा सर्वं राधा जीवनं यस्य राधा 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 वाचिकं तस्य शेषं। श्री राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे तेरो दास जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री चरणन को वास। सब द्वारन को छोड़ के मैं आयो तुम्हारे द्वार औ वृषवानु की लाडली ने कमेरी ओर निहार। वर्षाने की राधिका नंद गाम के श्याम इनके चरणन में करू मैं कोटि कोटि प्रणाम। कृष्णं नारायण वंदे कृष्ण वंदे व्रज प्रियं कृष्णं द्वैपायन वंदे कृष्ण वंदे व्रदासुद। सभी भक्त वृंद मातृ शक्ति माताएं व बहन भाई बंधु बाल गोपाल, आइए हम और आप सभी कथा के चतुर्थ दिवस में विश्व शांति के लिए प्रार्थना करें। और आज जो नंद महोत्सव होगा कृष्ण प्राकट्य महोत्सव, ये अपने आप में बड़ा ही सुंदर है। हमारे यहाँ कहते हैं जो भगवान के उत्सव में सम्मिलित होते हैं उनके घर में कभी अमंगल नहीं आते, उनके घर में नित्य मंगल होता है। जिन संसार के पार्टियों में फंक्शनों में हम लोग जाते हैं वो नश्वर है, जिस वजह से हो रहे हैं वो वजह आगे नहीं होगी एक दिन, चाहे वो मैरिज एनिवर्सरी हो, बर्थडे पार्टी हो या मैरिज हो, कोई भी फंक्शन हमारे यहाँ सामाजिक जो हैं वो आज हैं आगे नहीं होंगे। लेकिन जिस उत्सव में सम्मिलित होने के लिए आप आज आए हो ये 5000 वर्ष पूर्व से प्रारंभ हुआ और आगे जब तक सृष्टि होगी तब तक होता ही रहेगा। तो सम्मिलित होना हो तो ऐसे उत्सवों में सम्मिलित हो जिनका आनंद कभी समाप्त ना हो, जहां जाकर हमारे अमंगल समाप्त होते हैं। तो हम और आप सभी बड़े लकी हैं, भाग्यशाली हैं कि भगवान के उत्सव में भगवान ने हमें आने का अवसर दिया है। आइए दोनों हाथ जोड़ें, विश्व शांति के लिए प्रार्थना करें, उसके बाद आगे बढ़ें। हे ईश्वर सब सुखी हो कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवान धन धान्य के भंडारी, सब भद्रभाव देखे सतमार्ग के पथिक हो, दुखिया न कोई होवे सृष्टि में प्राणदायी। Thank you.
सा आपका हमें सदा जगदीश, आशा तेरे नाम की बनी रहे मम्मी। जोड़ विनती करूं सुनिए कृपा निदान, साधो संगत सुख दीजिए दया धर्म का दान दीजिए, 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 श्री युगल सरकार के चरणों में कोटि कोटि नमन। उनसे प्रार्थना वो अपनी व्यास पीठ ग्रहण करें। उनके प्रांत में परम सरदेशी सदगुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन। उनसे प्रार्थना वो अपना आशीर्वाद हमें प्रदान करें। स्थान देवता वास देवता ग्रामीण देवता नगर देवता इन सबको बार बार प्रणाम, ये भी अपना स्थान ग्रहण करें। विदुष समाज सभी ब्राह्मण समाज संत समाज पधारे हुए सभी भक्तों के हृदय में उपस्थित मेरे सर्वेश्वर भगवान को कोटि कोटि नमन। YouTube चैनल के माध्यम से जो भी देश विदेश में प्रभु प्रेमी श्रवण कर रहे हैं उन सब को मेरा प्यार भरा राधे राधे। आप तो धीरे ही बोलो, आप तो बड़े लोग हो, आपको जोर से नहीं बोलना चाहिए। इसीलिए कहता हूँ जवानी में भक्ति करना शुरू कर दो, बुढ़ापे में तो निकलता ही नहीं है। जोर से बोलना पड़ेगा। ये देखो करनाल में जहाँ गीता के कुरुक्षेत्र में जहाँ गीता के भगवान के मुख से श्लोक निकले थे वहाँ ब्रजवासियों के आने का संघ का असर तो देखो। बहुत ही सुंदर श्रीमद्भागवत कथा का ये अनुष्ठान यहाँ पर चल रहा है। जब भगवान कृपा करते हैं तो मानव शरीर में सत्कर्म करना, श्रीमद्भागवत कथा श्रवण करना ये बहुत बड़ा सत्कर्म है। श्रणो या कथाम्यमाम, ये आसान नहीं है कि हम कथा सुने। कोटि जन्म समुत्थिन, करोड़ों जन्मों के पुण्य एकत्रित होते हैं तो कथा सुनने का अवसर मिलता है। श्रीमद् भागवत कथा सुनने का फल बताएं क्या है? जब हमारे मन में ये संकल्प आता है कि हम भागवत सुनेंगे, उनका नहीं, ये बात उनकी नहीं है कि छुट्टी वाले दिन चलेंगे, जो हम नियम से कथा पूरा सुनेंगे, सातों दिन कथा सुनेंगे चाहे कुछ भी हो जाए, तो कथा का असर क्या होता है मालूम? शुश्रूषुभिस्तत्क्षणार्थ, उसी वक्त परमात्मा उस व्यक्ति के हृदय में आकर कैद हो जाते हैं जो ये भाव बना लेते हैं कि हम भागवत सुनेंगे। उसी वक्त, अभी सुनी नहीं है, अभी विचार हुआ, अभी संकल्पित हुआ है जीव, हम जाके कथा सुनेंगे, इतना उसने सोचा ही है कि बस आनंद आ गया, भगवान उसके हृदय में कैद हो गए। इतना बड़ा फल। अब जब आप कहें कि ये पंडित लोग ऐसे ही बोलते हैं, तो भैया देखो हमने तो कहा नहीं, व्यास जी ने कहा है, और व्यास स्वयं 24 अवतारों में से एक हैं, तो व्यास जी तो झूठ बोलेंगे नहीं। अगर व्यास जी ने कहा है तो यथार्थ सत्य है,
कि जब हमारे मन में ये भाव आता है कि हम कथा सुनेंगे, भगवान हमारे हृदय में बंदी बन जाते हैं। ये छोटी बात नहीं, कितनी बड़ी बात है। तुम पूरे विश्व की संपत्ति दे दो भगवान, हम तुमको सारी संपत्ति देते हैं, पूरा विश्व आपके नाम कर देते हैं, भूमंडल पूरा, लेकिन बदले में एक काम कर दो। क्या? बोले एक झलक दिखा दो, दर्शन दे दो। इज इट पॉसिबल? बताइए। कोई व्यक्ति हॉस्पिटल में एडमिट है, हॉस्पिटल में एडमिट है कोई, डॉक्टर कह दे बहुत सीरियस है, पिताजी कह दे मैंने बहुत रुपए कई हजार करोड़ कमा रखा है, सब आपके नाम कर दूंगा, लेकिन मेरे बच्चे को बचा लो, क्या कहेगा वो डॉक्टर? पैसा तो दे दो पर मैं बचा नहीं पाऊंगा, क्योंकि जन्म देना मृत्यु देना ये किसी और के हाथ की बात है। किसके हाथ की बात है? जोर से बोलिए। और फिर कह दें उसी भगवान के लिए हम पे टाइम नहीं है, तो कितने पागल हैं हम, है कि नहीं? तो हर चीज संपत्ति से नहीं प्राप्त की जा सकती, कुछ चीजें तुम्हारे कर्मों से तुम्हें प्राप्त होती हैं। भागवत कथा भाव से प्राप्त होती है, संपत्ति से पैसे से प्राप्त नहीं होती है, ये बात मैंने जान लिया है। कहते हैं चला लक्ष्मी चला प्राणा चला जीवन मंदिरे, चला चले ही संसारे धर्मो एको ही निश्चला। इस संसार में सब चलनशील है, सब जाएगा ही, पैसा भी जाएगा, संपत्ति भी जाएगी, प्राण भी जाएगा, ये सब जाने वाला, रुकने वाला कुछ नहीं है, एक ही है जो नहीं जाएगा, वो है धर्म। इसलिए जीवन में अपने आप के जीवन में धर्म को अपना लो, अगर धर्म अपना लिया तो फिर किसी की चिंता करने की आवश्यकता क्या जी नहीं है। तो धर्म कैसे होता है? बोले कथा सुन के। धर्म कैसे होता है? प्रभु का नाम गाकर। आइए मेरे साथ। हो मन चले वृंदावन धाम, होली आ रही है, वृंदावन जाएंगे, राधे राधे गाएंगे और कन्हैया के रंग में रंग जाएंगे। कौन कौन आएगा वृंदावन? अपना अरेंजमेंट खुद करना भाई। ओ मन चले, मन चले, मन चले, मन चले, मन चले वृंदावन धाम, नाम रटे राधा प्यारी को। मन चले वृंदावन धाम, नाम रटे राधा प्यारी को। ओ राधा प्यारी को नाम जपे भान दुलारी को, राधा प्यारी को नाम जपे भान दुलारी को। ओ भान दुलारी को नाम जपे राधा प्यारी को, भान दुलारी को नाम जपे राधा प्यारी को। तेरो कर दे कर दे, तेरो कर दे बेड़ा पार, नाम पर सानेवारी को। तेरो कर दे बेड़ा पार, नाम पर सानेवारी को। राधे के दर्शन करके, श्याम सलोनी सावरी सूरत के दर्शन करके। तेरी बिगड़ी, तेरी बिगड़ी बन जाए बात, नाम जपे कुंज बिहारी को। तेरी बिगड़ी बन जाए बात, नाम जपे कुंज बिहारी को। बिहारी को नाम जपे राधा प्यारी को।
चले वृंदावन धाम नाम रटे राधा प्यारी को मन चले वृंदावन धाम नाम रटे राधा प्यारी को वृंदावन में जाके गली गली में राधे राधे रटता जा प्यारे गली गली में राधे राधे जपता जा प्यारे वृंदावन में बरसाने में राधे राधे गली गली में राधे राधे कैवरवन में राधे राधे आने देवन में राधे राधे वहाँ पेड़ पेड़ पे वहाँ डाल डाल पे वहाँ पात पात पे राधे राधे गली गली में राधे राधे रटता जा प्यारे गली गली में राधे राधे रटता जा प्यारे ओ बिन राधे हो बिन राधे हो बिन राधे दर्श मिले ना मनवा श्याम बिहारी को बिन राधे दर्श मिले ना के बिहारी को श्याम बिहारी को रे बा रास बिहारी को मन चले वृंदावन धाम नाम रटे राधा प्यारी को मन चले वृंदावन धाम नाम रटे राधा प्यारी को श्रीराधे We'll be right back.
बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री प्रियाकांजु सरकार की जय। श्री निम्बार्क भगवान की जय। जगत गुरु श्री श्री जी महाराज की जय। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। गौ हत्या बंद हो। गौ माता की सेवा हो। विश्व में शांति हो। विश्व में शांति हो। विश्व में शांति हो। ओ शांति शांति शांति। एक बार जोर से बोलेंगे और जोर से बोलना। एक बार मैं कुछ और कह रहा था, आप कुछ और कर बैठे। आज सुबह पत्रकार वार्ता में हमारे कुछ मीडिया कर्मी भाइयों ने हमसे पूछा कि महाराज, ये जो आजकल बड़ा हो रहा है कि सिर्फ लोग अपने लिए जी रहे हैं, इवन माँ बाप का भी मान सम्मान अब घरों में नहीं रहा है, कुछ जन्मन प्रश्न उन्होंने किए। वहां तो नहीं, पर आपको जवाब दे दूं। वहां तो मैंने जैसे पत्रकारों को जवाब देते हैं वही दिया, पर जन्मन आपको देता हूं। तीन गांधी जी के बंदरों का नाम आपने सुना होगा, सुना? वो तीनों के तीनों बंदर उल्टे चल पड़े हैं। प्रॉब्लम यहीं से शुरू हो गई है। वो जो गांधी जी के बापू के जो बंदर हैं, वो तीनों बंदर उल्टे निकल पड़े हैं। सीधे क्या हैं? बोले आंखों से बुरा मत देखो, कानों से बुरा मत सुनो और मुंह से बुरा मत बोलो। किसी और की नहीं, आप अपने ही ऊपर घटाइए। क्या ये सही हो रहा है? एक सेकंड के लिए सोचिए, क्या ये हमारे जीवन में घटित हो रहा है? जो कहा जा रहा है उसके उलट विपरीत किया जा रहा है। बुरा मत बोलो, आजकल लोग कहते भला मत बोलो, बुरा मत सुनो। कानों से वो जो वाइट सा तार होता है वो हट ही नहीं रहा है युवाओं के कानों से। 2400 घंटे लगा के सोएगा भी तो भी लगा के, और उसमें वो देवी भागवत तो सुन नहीं रहा होगा, श्रीमद् भागवत तो वो सुनेगा नहीं। ऐसा नहीं कोई नहीं सुनता, बहुत युवा सुनते हैं, बहुत युवा सुनते हैं, तभी तो ये कथा ट्रेंडिंग में भी रहती। 3 घंटे का वीडियो ट्रेंडिंग में होना, इट्स नॉट सिंपल थिंग। और एवरीडे की, इसका मतलब है काफी युवा सुनते हैं, बहुत युवा सुनते हैं। इसके बावजूद भी इससे ज्यादा कुछ और सुनते हैं। आंखों से बुरा मत देखो, मोबाइल अगर पास में है तो तीनों समस्याएं हमारे साथ में हैं। एक गंदा दृश्य किसी का भी चरित्र बदल सकता है। एक बहुत जैनमून समस्या आजकल है स्त्री पुरुष के आकर्षण की, कि वो ऐसे हो गए वो ऐसे हो गए, उसकी वजह क्या है? पहले क्यों कहा जाता था नजरें झुका के पुरुष भी चलें? क्यों चलें? कि मुझे कोई गंदा दृश्य दिखाई ना पड़ जाए। अगर मुझे गंदा दृश्य दिखाई पड़ा तो मेरा मन विचलित हो जाएगा और मेरा मन उस तरफ दौड़ पड़ेगा,
और अगर मेरे मन को कोई चीज भाग गई और वो मुझे प्राप्त ना हो तो फिर तो वो मन में जो अशांति बनी रहेगी उसका तो वर्णन ही कौन करे। चाहे मैं उससे बात ना करूं पर स्वप्न में उसी से बात हो रही है, मेरा मन उसी में अटका पड़ा है। एक गंदा दृश्य मेरी जिंदगी बदल सकता है और बदलता है। आप लोग देखते होंगे जिस देश में 8 महीने की बच्ची सुरक्षित ना हो उसके लिए कौन जिम्मेदार है? दृश्य ही तो जिम्मेदार है। बड़े बड़े पर्दों पे हमारे युवा भाई बहन वो फिल्में देख कर आते हैं जहां स्वर्ग से उतरी हुई अप्सराएं लोगों को चरित्रहीन करने के लिए तैयार घूम रही हैं। उन्हें पैसा चाहिए, उनकी फिल्म हिट होनी चाहिए। इट डजंट मैटर कि उसके बाद कितनों की फिल्म फ्लॉप हो जाती है, जीवन की फिल्म फ्लॉप हो जाती है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। एक गंदा दृश्य देखने के बाद युवा बर्बाद हो जाता है। हीरो हीरोइन के पोस्टर हमारे रूम में आ जाते हैं, भगवान के पोस्टर उतार दिए जाते हैं। सुबह भगवान का दर्शन नहीं, इसी हीरोइन का, इस हीरो का, वो भी कैसे? अगर माँ बाप से दूर हैं तो पोस्टर अलग टाइप के होते हैं, माँ बाप के साथ हैं तो पोस्टर अलग टाइप के होते हैं। यू नो वेरी वेल ये मेरा युवा है। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो हाथ उठाकर यहीं बोल दीजिएगा कि आप गलत कह रहे हैं, और अगर मैं सही कह रहा हूं तो कुछ ऐसा जरूर कहिएगा जिससे और जो सुन रहे हैं उन्हें पता चले कि मैं जो कह रहा हूं वो सही है। अब मैं आपको एक पौराणिक कथा सुनाता हूं इसी से संबंधित। वैसे क्रम के अनुसार ये कथा बहुत पीछे रह गई है, लेकिन क्योंकि मैं चाहता हूं कि वो युवाओं के काम में आ जाए, काफी युवा बैठे हैं तो जरूर बोलूंगा। आपकी विचारधारा को दूषित करने के लिए आपकी जो हाथ में मोबाइल है उसमें देखी गई मूवी है वो बहुत बड़ा रोल अदा करती है आपके चरित्र को बर्बाद करने में, आपकी विचारधारा को दूषित करने में। कैसे? जरा ध्यान से सुनिए। कान कुब्ज दज कस्य दासे पति रजामला नामना नष्ट सदाचारो दास्या ससंग दूषित। एक अजामिल नाम का ब्राह्मण जो वेद पाठी है, भजन करता है, नित्य गंगा स्नान करता है और अपने माता पिता की सेवा करता है, बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति का ब्राह्मण है, वेद पाठी है तो ऑब्वियसली होगा ही। वो वेद पाठी ब्राह्मण एक दिन गंगा स्नान करके आ रहे थे तो उनकी दृष्टि में एक ऐसा दृश्य प्रकट हुआ, जहां से वो आ रहे थे वहां मार्ग में एक गणिका वेश्या किसी पुरुष के साथ क्रियाओं में लिप्त थी, और वो गणिका बड़ी सुंदर थी, वो वेश्या बड़ी सुंदर थी। एक व्यक्ति ने बहुत अच्छी बात लिखी है और काम की बात है, सुंदरता तो चरित्र में होती है, सुंदरता तो चरित्र में होती है, वरना सुंदर तो वैश्या भी होती है। सुंदरता तो चरित्र में होती है, वरना सुंदर तो वैश्या भी होती है। जिसका चरित्र सुंदर है वही सुंदर है, सकल का कोई फर्क नहीं पड़ता। सकल तो आज नहीं कल जला ही जाएगी चिता में, और चिता के बाद कोई सकल याद नहीं रखेगा। चिता के बाद अगर कोई याद रखेगा तो तुम्हारा चरित्र याद रखेगा। हां जी कि ना जी? हां जी। तो प्यारे अजामिल ने वो दृश्य देखा, वेद पाठी ब्राह्मण का चरित्र बदल गया ये एक दृश्य देखकर, ये एक दृश्य देखकर उसका चरित्र बदल गया।
अब वो ये चाहता है कि ये स्त्री मेरे घर वाली बने, ये मेरी होनी चाहिए, ये मेरी घरवाली बननी चाहिए। ऐसा वो चाहने लगा। तो वो उस स्त्री के पास में गया। उस स्त्री ने कहा, देखो मुझे किसी के तन से प्यार नहीं है, जो मुझे धन देता है मुझे वही प्रिय लगता है। जो मुझे धन देता है, मुझे तुम धन दो, मैं तुम्हारी हो जाऊंगी। ब्राह्मण जो माता पिता की सेवा पूजा करने वाला, वेद पाठ करने वाला, उस स्त्री के मोह में ऐसा फंसा उस मोह में कि अब वो अपना सारा धन उस पे लुटा बैठा और उसे अपने साथ रखने लगा। इतने से ही काम नहीं हुआ। जब उसका धन समाप्त हो गया, उसके पास नहीं रहा, जुआ हो, मदिरापान हो, वैश्यागमन हो, इनमें धीरे धीरे दोनों चीजों का नाश होता है, धन का भी नाश होता है और सम्मान का भी नाश होता है, और विवेक तो जाता ही रहता है। धन भी गया, सम्मान भी गया, और तन की हालत भी खस्ता होती है। तो जब उसके पास धन नहीं रहा तो उसे डर लगने लगा, अगर मैं इसे धन नहीं दूंगा तो ये मुझे छोड़ के चली जाएगी, अब मैं क्या करूं। तो वो हिंसा पे उतारू हो गया। जब जीव की इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं तो जीव वो भी काम करता है जो उसे नहीं करना चाहिए। अब जंगल में जाता है, जानवरों को मारता है, पशुओं को मारता है, और उसकी चर्म को बाजार में जाकर बेचता है, और उससे जो धन मिलता है उस धन को ले जाकर वो उसी स्त्री को देता है। ये उसका नित्य क्रिया हो गई, ये एवरीडे उसका वर्क हो गया, अब यही काम करता है। एक बात बहुत अच्छी है मेरे भाई बहन, कुछ लोग समय के साथ बदल जाते हैं, ध्यान दीजिएगा सभी लोग, कुछ लोग समय के साथ बदल जाते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका संग करके हम बदल जाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका संग करके हम बदल जाते हैं। किस किस को लगता है कि आपके भी जीवन में कोई ऐसा व्यक्तित्व आया है जिसके जीवन में आने से आप में थोड़ा बहुत बदलाव आया है? हाथ उठा सकते हैं। ऑब्वियसली जिनको ऐसा लगता हो कि इनके आने से एक व्यक्तित्व ऐसा आया जिनके आने से हमारे जीवन में बदलाव आया है, है कोई? बहुत लोग हाथ उठा रहे भाई, जो हाथ उठा रहे और ऊंचा उठाओ। क्या मैं जान सकता हूं वो व्यक्ति कौन है जिसने आपको बदल दिया? मैं चाहता हूं मैं भी उसका संग करूं और मैं भी बदल जाऊं। कौन है वो? ये तो उम्मीद न थी तुमसे राज, बहुत गड़बड़ कर दिए हो। सच यही है, कुछ लोग समय के साथ बदल जाते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका संग करके हम बदल जाते हैं। और भगवान करे आपको ऐसे ही लोगों का संग मिले कि आप बुराई से अच्छाई की तरफ बदलते रहे। भगवान करे, आई विश ऑल ऑफ यू, आप सबके लिए शुभकामना है। गलत लोग जीवन में आते हैं तो जिंदगी में उथल पुथल हो जाती है, और जब कुछ अच्छे लोग जीवन में आते हैं तो उथल पुथल जिंदगी की शांति का सागर बन जाती है। एक बात तो कहेंगे हम आपको, आपके घर में आपके मन में अशांति रहती है, वजह जानते हो क्या? आपको अपनी प्रशंसा सुनने की आदत पड़ गई है। आपने आज भोजन बहुत अच्छा बनाया है। ए पूजा जी,
क्या गजब की दाल बनाई है आपने। और जिस दिन पति प्रशंसा ना करे, अगले दिन देवी के हाथ की चाय में कुछ अलग स्वाद होता है। हाँ या ना? पतियों से निवेदन है, जरूर प्रशंसा कर दिया करिए। वाकई चाहे स्वाद ना आए पर मेहनत तो देवियों की पूरी लगती है। अब ऐसा स्वाद क्यों नहीं आएगा? अब स्वाद रोज का काम नहीं है। हमारे यहां कहते हैं राग रसोई पागड़ा। रोज गाने वाला भी कभी कभी राग में वो मिठास नहीं दे पाता है जो आना चाहिए, वो कभी कभी आता है। रसोई में वो स्वाद एवरीडे नहीं आ सकता, बनाने वाली वही देवी जी के हाथ हैं, पर वो रोज स्वाद नहीं आएगा। और वो हमारे यहाँ पाग बांधते हैं तो उसका तो आपसे कोई कॉन्टेक्ट है नहीं, तो उसकी तो बात करना बेकार। कभी कभी, लेकिन मेहनत माताओं की वही पूरी होती है। तो बड़ा ही रोज करो। क्या बात, क्या बनाया तो देवियां खुश होंगी। पर देवियों से भी एक निवेदन है, झूठी प्रशंसा से दूर रहो। और देवियों से क्यों, सबसे ही निवेदन है, अपने कानों को अपनी प्रशंसा सुनने का आदि मत बनाओ, अपितु अपने कानों को अपनी बुराई सुनने का आदि बनाओ, जिससे मैं बुराई सुनूं और सुधरने के लिए तैयार रहूं, अपनी कमियों को निकाल लूं। अब ऐसे तो ये बात समझ में आ तो गई है पर मन नहीं मानता। इसका दूसरा एग्जाम्पल आप ऐसे ले लीजिए, अगर आपके नए कपड़े में कोई दाग लग जाए और आपको वो पीछे दिखे ना, दाग लगा पीछे, और आप बहुत बड़ी पार्टी में जा रहे हो और वो दाग आपको दिख नहीं रहा, अब बताइए सामने वाला क्या कहे? क्या ये चाहते हो वो तुम्हारी ये प्रशंसा, वाओ यू आर लुकिंग वेरी हैंडसम, यू आर लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल, ये तो हो गई उसकी बटरिंग, जबकि वो पीछे देख के आ रहा है कि ऊपर से बेवकूफ लग रहा है, व्हाइट ड्रेस पे ब्लैक स्पॉट लगा हुआ है। और हितैषी जो होगा वो कहेगा भाई साहब पार्टी में जाने से पहले जरा इसे क्लीन कर लो, बुरे लग रहे हो। अब बताओ आपके लिए अच्छा इंसान कौन है, दाग बताने वाला या सूट को अच्छा बताने वाला? जोर से बोलिए। लेकिन आपके कान तो इस चक्कर में है कि 25,000 का सूट है, दाग की बात तो करे ही ना, ये झूठी प्रशंसा करे, कान तो इसके लिए तैयार है। हितैषी वही है जो दाग बताएगा, यही जीवन, ये जीवन जो है ये व्हाइट ड्रेस है और मेरी बुराइयां जो है वो ब्लैक स्पॉट है, दाग हैं वो। अब कोई ये कहे कि तुम अच्छा कर रहे हो तो वो उसी की तरह है जो सिर्फ बटरिंग कर रहा है और मेरे कानों को सुनने की वो आदत पड़ गई है। लेकिन कोई ऐसा हो जो दाग बताए, कोई तो ऐसा हो जो दाग बता दे। और यही काम सदगुरुदेव करते हैं, एक एक करके तेरे दाग निकालते हैं। हमने दो चारों के दाग ऐसे निकाले कि वो यहीं से निकल गए, वो नहीं आते बजे, वो दाग ज्यादा बता देते हैं। महाराज जी आई एम सॉरी, मेरा काम यही है, आई डोंट वॉन्ट मनी फ्रॉम यू बट आई वॉन्ट गुड वर्क फ्रॉम यू। मुझे तुमसे तुम्हारा पैसा नहीं चाहिए, मुझे तुमसे तुम्हारे अच्छे कर्म चाहिए। जब तुम अच्छे कर्म करोगे तो उनमें कुछ हिस्सेदारी मेरी भी होगी, जब मैं ऊपर जाऊंगा तो वो मुझे मिलेगा। तुम नहीं दोगे, तुम्हारे हाथ में वो सब नहीं है, लेकिन वो देगा, उसे पता होगा कि ये प्रेरित किसके थ्रू हुआ है, तो मेरा हिस्सा वहां मिलेगा। आजकल परसेंटेज मिलते हैं ना यहाँ, कोई भी काम कराओ, लोग तो कथा में भी परसेंटेज मांग लेते हैं, परसेंटेज मिलता है हर जगह आजकल, राइट? तो वहां भी हमें परसेंटेज मिलेगा। क्या मिलेगा कि ये व्यक्ति इसके थ्रू सुधरे हैं, इतना परसेंट इसके भाग्य में डाल दो, बैंक फिक्स है वहां। एक अच्छी बात है, वो कौन सा होता है वो कार्ड, इनकम टैक्स वाला, क्या बोलते हैं उसको, कार्ड होता है ना सबका बना हुआ है वो, हाँ वो पैन कार्ड, उसकी जरूरत नहीं है उसकी बैंक में, सब हिसाब किताब एकदम डिजिटल हिसाब किताब है मेरे गोविंद के यहाँ।
जिस जिसके द्वारा अच्छे लोग बने हैं उसका अकाउंट बढ़ता चला गया, जिसके द्वारा लोग गंदे बने हैं उसका भी, ये जो बॉलीवुड वाले ना इनका अकाउंट बड़ा गजब का होगा, देखना आप एक एक झटके पे कितने लाखों लोग बर्बाद हुए हैं, उन झटकों का तमाम बदला इनको देना पड़ेगा। मैं नहीं कह रहा हूँ फॉर एवरी वीकेंडिंग थॉट यू हैव पुट इनटू एनीबॉडीज हैड यू विल हैव पे विद कंपाउंड इंटरेस्ट, मैं ब्याज के भोगना पड़ेगा, तुमने अच्छे बनाए या बुरे बनाए ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड है। तो कोशिश कीजिए कि तुम्हारे जीवन में कोई व्यक्तित्व ऐसा है जो तुम्हारे ब्लैक दाग को निकाल दे। एक दृष्टांत याद आ रहा है, तो एक कौवा मुख में मांस का टुकड़ा लेकर एक डाल पर बैठा हुआ था। सुनिएगा जरा ध्यान से, कौवा मुंह में मांस का टुकड़ा लेकर पेड़ की डाल पर बैठा हुआ था, लोमड़ी की नजर पड़ गई। अब लोमड़ी इस चक्कर में कि ये उधर से इधर आए, पर आएगा कैसे, मैं जाऊंगी तो ये उड़ जाएगा। अब उसने दूसरी युक्ति निकाली, क्या युक्ति निकाली, लोमड़ी कौवे की झूठी प्रशंसा करने लगी। आई लाइक योर ब्यूटिफुल ब्लैक कलर, मुझे आपका ये काला रंग बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही सुंदर है, आप जैसा काला रंग तो किसको मिले, ऊपर से आपकी ये मधुर आवाज, आहा जब आप बोलते हो तो मन करता है बस सुनती जाऊं सुनती जाऊं, आप बोलना बंद न करें, आपकी आवाज की ये मिठास मधुरता। कौवा फूल के गुप्पा हो गया, सब लोग तो इसकी आवाज को बुरा कहते थे, आज पहली बार कोई बड़ाई कर रहा है, और जैसे ही इसकी बड़ाई की और ये जोर से कांव कांव चिल्लाने लगा। ये कहना चाह रहा था तुम ये आवाज सुनना चाहती हो, ये कांव कांव इसका चिल्लाना प्रारंभ हुआ, उसी समय इसके मुंह से वो टुकड़ा जो था मांस का वो गिर गया, और जैसे ही टुकड़ा गिरा लोमड़ी ने कैच किया, और लोमड़ी कैच करके एक दो, कौवा रोने लगा, ये तो फ्रॉड है, ये तो धोखा है। पर उस कौवे को कौन समझाए, झूठी प्रशंसा सुनने का आदि तो तू ही बना था, इसमें कसूर किसका है, जबरदस्ती अगर तुम्हारे मुंह पे, जबकि तुम जानते हो कि ये प्रशंसा तुम में है ही नहीं, एक गुण हो भी तो भी मत सुनो। कौवे को पता नहीं था तेरा कलर तेरी वॉइस तू नहीं जानता है, इसके बावजूद भी सुना तो वो उसका हक छिन गया। तो आप सबसे मेरा निवेदन है, अपने कानों को संभालिए, इन्हें सुंदर भगवान की कथा सुनाइए, लेकिन जब भगवान कृपा करते हैं तभी सत्संग मिलता है। जैसा कि आपको कोई जीवन में ऐसा आता है जो हमें बदल देता है, अजामिल एक बार बदला अच्छे से बुरा बना, आज फिर एक अवसर है, भगवान जिसके ऊपर कृपा करते हैं उसके जीवन में संतों का प्रवेश होता है। कहते हैं ना बसंत आती है तो फसल लहराती है, और जब संत आते हैं तो आने वाली नस्ल लहराती है, वो प्रसन्न हो जाते हैं। संत पहुंचे और संतों ने देखा वहां बगीचा बड़ा सुंदर है, उस बगीचे को देखकर संतों ने कहा यहां थोड़ी देर रुकना चाहिए। रुकने का मन बनाया तो उस स्त्री ने आवाज लगाई, भो भो साधु क्षणम तिष्ठ, संत ठहरिए, यहां इस बगीचे में अंदर मत जाइए, ये बगीचा मेरा है। वो उतर के आई ऊपर से नीचे, कहने लगी ये बगीचा मेरा है। संत बोले हम मैं तुम्हारा ही होगा, पर हम यहां ज्यादा देर रुकने वाले नहीं है, थोड़ी देर दोपहर भर विश्राम करेंगे और फिर अपने यहां चले जाएंगे। तो इस स्त्री ने कहा महाराज मैं इसलिए मना नहीं कर रहे कि यह बगीचा मेरा है,
आप जानते नहीं हो कि मैं कौन हूं, कौन है? वो लोग मुझे गणिका कहते हैं, वेश्या कहते हैं, दुष्ट कहते हैं, लोग मुझे अच्छा नहीं समझते, मुझे इस बात की तकलीफ नहीं है कि लोग मुझे क्या कहते हैं, पर अगर आप यहां पर रुके तो लोग आपको बुरा कहेंगे, जो कि मेरे को अच्छा नहीं लगे, मेरी वजह से आपको कहेंगे, इसलिए निवेदन कर रही हूं कृपा करके आप पधारो, कहीं और जाके रुको। संतों ने कहा बेटी हमें दुनिया की फिक्र नहीं, बेटी कहा, क्या कहा, क्या ऐसी अपनी बेटी को भी कोई बेटी कहेगा, कहेगा कोई, कोई नहीं कहेगा। ये संतों का ही बड़कपन है, ये संतों की ही प्रभुता है, ये संतों की ही विशेषता है कि ऐसी स्त्री को भी बेटी कहते हैं। एक संत के पास में कुछ बिगड़े हुए लोग आते थे, तो कुछ सुधरे हुए लोगों ने कहा महाराज आप इनसे मत मिला करिए, ये लोग बड़े गंदे हैं, आप बदनाम हो जाएंगे। तो संत ने कहा कल से तुम मत आना। तो क्या कह रहे हैं महाराज? संत ने कहा सीधी सी बात है, मेरी जरूरत तुमको नहीं है क्योंकि तुम सुधरे हुए हो, मेरी जरूरत तो इनको है क्योंकि ये बिगड़े हुए हैं, इनको सुधारना ही मेरा काम है। अरे भाई सुधरे हुए को क्या सुधारे, सुधरा हुआ तो अपना समय का सदुपयोग करता है यहां आकर, लेकिन जरूरत तो बिगड़े हुए लोगों को सानिध्य में लाने की है कि वो आए और वो सुधरे और प्रभु के गीत गाएं। जो मदिरा ले जाते हैं वो मंदिर जाने लगे तो समझना सुधर गए, जो जुआ ले में जाते हैं वो वहां छोड़कर अगर कथा पंडाल में आने लग जाए तो समझना सुधर गया, जो किसी को रोज गाली गलौज देकर बात करता था वो व्यक्ति अगर राधे राधे करके बोलने लग जाए तो समझना सुधर गया। उनके लिए काम करना है, उनके लिए, वो भी तो अपने ही है। Am I right or wrong? जरूरत किसको ज्यादा है? बिगड़े हुए। संत ने कहा बेटी हमें इस बात की परवाह नहीं दुनिया क्या कहेगी, अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो हम यहां रुकना चाहते हैं। बोले महाराज जी आप ही कहा है। संत रुक गए, लेकिन इस स्त्री को एक चिंता है, गणिका को एक चिंता है, अजामिल आ रहा होगा, किसी पशु को मारा होगा, रक्त से लथपथ होगा, और संतों के आगे कभी अमंगल भेष में जाना नहीं चाहिए, क्या करूं। उसने बाल्टी उठाई, जल भरा, वस्त्र उठाए और दौड़ पड़ी। आज इसका जीवन बदल रहा है, आज से पहले ये सोचती थी पैसा आए पैसा आए पैसा आए, अब ये सोच रही है चाहे पैसा ना आए लेकिन संतों की कृपा मिल जाए, बदल गया। क्षण संगेन साधसु, एक क्षण का संग संत का मिल जाए तो जीवन बदलना कंफर्म है, निश्चित है, निश्चित है। देखा सामने से अजामिल आ रहा है, मृग को मारा है, मृग चर्म कंधे पर पड़ी हुई है, रक्त से लथपथ हो रहा है, उस स्त्री को बड़ी ग्लानी हुई, ये सब अपराध मेरी वजह से करता है, ये सब मेरी वजह से होता है, ये मेरी वजह से बिगड़ा है, प्रभु कृपा करो अब मेरी वजह से ये सुधर जाए, अब मेरी वजह से सुधरे भी। संत घर पे है, इसने अजामिल को स्नान कराया, मृग चर्म को फिकवा दिया कि फेंक दो अब इसे, इसकी जरूरत नहीं है। बोले क्यों नहीं है, तुझे पैसा नहीं चाहिए? बोले मुझे ऐसा पैसा मिल गया है, ऐसा धन मिल गया है कि अब उस धन को पाने के बाद इस धन की कोई आवश्यकता ही नहीं होती, मुझे ऐसा धन मिल गया। सच्ची बताइए धन कौन सा है जो हमेशा साथ दे कि कुछ टाइम के लिए साथ दे? जोर से बोलिए, जोर से बोलिए, कौन सा धन है तुम्हारा, कौन सा 2000 का नोट है जो तुम्हारा हमेशा साथ देगा? क्या करेगा ये धन? ये कुछ सीमित समय तक तुम्हारा साथ दे सकता है, लेकिन राम नाम रूपी धन ऐसा धन है जो सीमित समय के लिए नहीं, जब तक जिंदगी है तब तक और जिंदगी के बाद तक ये धन हमारा साथ निभा रहा। राम नाम के हीरे मोती।